नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाजियाबाद, दिल्ली NCR, और यह है मेरा चैनल। इस चैनल में हम आपको सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशंस और हेल्थ के बारे में वीडियोस बना के आपको हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। और बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, अपने पसंदीदा हेल्थ टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए वीडियोस तो हमें ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन्स, रीनल स्टोन्स, या जो स्टोन आपके पेशाब के रास्ते में बनते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनके बारे में बात करेंगे कि स्टोन्स होते क्या हैं, जो बनते हैं किस चीज़ से बनते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं और क्यों बनते हैं, क्या कारण है उनके बनने का और क्या क्या सिम्टम हो सकता है अगर बन जाते हैं तो दिक्कत क्या आ सकती है आपको, और फिर उसका इलाज कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आता है तो डू लेट अस नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, किडनी का काम है कि आपके शरीर से जो खून है उसको फिल्टर करके, उसको छान के, उसमें से जो गंध है, जो गलत सब्सटेंसेस हैं, गलत चीज़ें हैं, उनको बाहर निकाल देना पेशाब के द्वारा। मेजरली आपके शरीर से जो गंदी चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो नहीं होने चाहिए, वो सब मेजर अमाउंट किडनी से निकल जाता है। कुछ अमाउंट स्टूल से, फीसिस से निकलता है, कुछ स्वेट से निकलता है, कई और भी मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन मेजर रोल है आपके किडनी का। तो किडनी दो हैं हमारे पास, सबके पास दो होती हैं, और दो किडनी से नीचे एक जो पेशाब की थैली है उसमें पाइप्स जाती हैं, उनको कहते हैं यूरेटर्स। ये यूरेटर्स में भी स्टोन हो सकते हैं, किडनी में भी हो सकते हैं और पेशाब की थैली में भी हो सकते हैं। यहां तक कि पेशाब की थैली से जो बाहर जाने का रास्ता है यूरेथ्रा, उसमें भी स्टोन हो सकते हैं। स्टोन कहीं भी बन सकता है, और यहां तक कि बन के एक जगह पर या किडनी में बन के धीरे धीरे कहीं नीचे रास्ते से जाते हुए फंस सकता है कहीं पर भी। तो दोस्तों, किडनी में स्टोन या कहीं और भी स्टोन बन सकते हैं और फंस भी सकते हैं, और कई दफा स्टोन बिना फंसे निकल भी जाते हैं अगर छोटे हैं तो। सो ये स्टोन क्यों बनते हैं, किस चीज से बनते हैं? तो दोस्तों, चार बेसिक टाइप्स हैं किडनी स्टोन के। सबसे कॉमन टाइप जो है वो कैल्शियम है, कैल्शियम स्टोन्स। लेकिन ये कैल्शियम की वजह से नहीं बनते, सिर्फ कैल्शियम की वजह से नहीं बनते, इसमें कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। ऑक्सलेट ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनता है, फॉस्फेट और कैल्शियम ज़्यादा हो तो। अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है कैल्शियम का आपके शरीर में, तो आपको कैल्शियम स्टोन बनेगा, वरना नहीं। नॉर्मल अमाउंट में नहीं बनता, कम अगर आपने कैल्शियम खाया तो भी आपको स्टोन बन सकता है, क्योंकि कैल्शियम जरूरत है आपकी किडनी के काम के लिए। आपके जो यूरिन का जो सिस्टम है, पेशाब का जो रास्ता है, उसका जो मूवमेंट है कि आगे यूरिन को पुश करते रहना, उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर वो कम हो जाएगा तो ये मूवमेंट कम हो जाएगा, और धीरे धीरे पेशाब जाएगा तो स्टोन ज़्यादा बनेगा। सो हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम से प्रॉब्लम होती है, पहला टाइप है कैल्शियम। सेकेंड टाइप है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ज्यादा होने से भी आपको स्टोन बनते हैं। सो कैल्शियम से बनता है, यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड पे दोस्तों हमने टोटली एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें यूरिक एसिड के बारे में सब समझाया है। प्रोटीन खाने से, प्यूरिन खाने से, क्या क्या खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, क्या क्या बीमारियों से यूरिक एसिड बढ़ता है। सो वो वीडियो जाके देखिए, उसका भी इस वीडियो के साथ लेना देना है। सो कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, दो प्रकार के स्टोन हो गए। तीसरा प्रकार का स्टोन है स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट जो है ये पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन में होता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है बार 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 बार, तो आपको स्ट्रूवाइट स्टोन हो सकते हैं। और चौथे प्रकार का स्टोन है सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स दोस्तों आपके फैमिली में चलते हैं। अगर आपके फैमिली में स्टोन्स होते आए हैं, कई लोगों को फैमिली में स्टोन्स होते रहे हैं, तो आपका चांसेस है कि आपको सिस्टीन स्टोन हो सकते हैं।
तो ये चार बेसिक प्रकार के किडनी स्टोन होते हैं, कैल्शियम, यूरिक एसिड, स्ट्रोवाइड, सिस्टीन। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार चीजें आपके शरीर में ज्यादा है तो आपको स्टोन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। स्टोन होने का सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना। जी हाँ, आपकी किडनी एक फिल्टर जैसा काम करती है, एक छाननी जैसा काम करती है, और जितना उसमें फोर्सफुली पानी जाएगा उतनी आसानी से चीजें फिल्टर हो जाएंगी। मान लीजिए अगर पानी या फोर्स ही बहुत धीरे धीरे आ रहा है या पानी बहुत कम आ रहा है तो जो भी चीजें उसमें हैं वो गाड़ी गाड़ी आएगी, गाड़ी गाड़ी चीजें, और उसमें फोर्स भी कम रहेगा फिल्टर होने का, तो आगे जाने का भी फोर्स कम रहेगा तो स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है किडनी स्टोन होने का, पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन। साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा चाय या बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दारू पीते हैं, उनको यूरिन बहुत ज्यादा आता है तो उनको भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो ये सब कारण हो जाते हैं, सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, पानी कम पीना। आपको दोस्तों पूरे दिन में 2 लीटर के आसपास, 1.5 से 2 लीटर के आसपास यूरिन बनना चाहिए एक एडल्ट इंसान को। अगर कम बनता है या गाढ़ा यूरिन, पीला पेशाब आता है तो आप पानी कम पी रहे हैं। नॉर्मली आपको 8 से 12 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए, गर्मी हो या ठंड, गर्मी में और ज्यादा। तो पानी सबसे बड़ा कारण है किडनी स्टोन होने का। दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, जैसे हमने देखा ये चार प्रकार के स्टोन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इन चारों में से जो जो चीजें आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, अगर मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, सिस्टीन या प्रोटीन उस टाइप की ज्यादा है, तो आपको उस टाइप के स्टोन होने के चांसेस हैं। प्लस लेकिन साथ में थोड़ा पानी की दिक्कत होनी जरूरी है। सो कैल्शियम की गलती नहीं है, जैसा हमने पहले बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैल्शियम खाना बंद कर दे, आपके हड्डियों में से कैल्शियम गलते गलते जाए, हड्डियां कमजोर हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो कैल्शियम खाना बहुत जरूरी है, कैल्शियम एक नॉर्मल मात्रा में आपके डाइट में होना चाहिए। बहुत ज्यादा कैल्शियम आप ना खाएं, ऐसा ना हो कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, एक दो बार दूध भी पी रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, और आपने कैल्शियम बेस्ड जो एंटासिड्स होते हैं वो भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपकी कैल्शियम की होती जा रही हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको अपने डाइट को ऑब्वियसली मॉनिटर करना है। और यूरिक एसिड के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, यूरिक एसिड का वीडियो बहुत अच्छे से बना हुआ है और वो वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह बताएगा कि यूरिक एसिड कैसे होता है, क्यों होता है, उसका क्या करना चाहिए। सो दूसरा कारण हो गया कि इन सारी चीजों की ज्यादा मात्रा में आपके खून में प्रेजेंट होना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों जो है वो है बीमारियां। कई टाइप की मेडिकल बीमारियों में किडनी स्टोन हो सकते हैं। सबसे कॉमन हमने देखा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की इन्फेक्शन से यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स बन सकते हैं। दूसरे कारण से दोस्तों कई बार नसों की प्रॉब्लम से, कई बार ट्यूमर से, कई बार कई मेडिकल कंडीशन से, इसके बारे में एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं कि बहुत सारी कंडीशन से क्या क्या कंडीशन है जिनसे आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो इन कंडीशन से होगा क्या, बेसलाइन ये होगा कि या तो किडनी का काम या किडनी का स्ट्रक्चर या पेशाब के रास्ते में कोई उसका काम या और उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, या कोई चीज उसको दबा रही है, या वो सिकुड़ गई है, या उसका जो एक फंक्शन है पंप करने का कि पेशाब बाहर सामने पंप करो, एक पंप होता है तो आगे वाला फैलता है, ये पंप होता है तो आगे वाला फैलता है, इस तरह से पेशाब आगे पुश होता है। अगर इस फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाए कैल्शियम की कमी से या किसी और दिक्कत से, कोई बीमारी से, तो भी स्टोन हो सकते हैं। सो ये तीन बेसिक रीजन है आपको किडनी स्टोन होने के, पानी कम पीना, चीजों का ज्यादा होना, और आपको कोई बीमारी होना जो किडनी या किडनी के रास्ते में दिक्कत दे रही है। तो अगर आपको स्टोन हो गया किडनी में या पेशाब के रास्ते में तो क्या होगा, आपके किडनीज में, गुर्दे में जो स्टोन हो जाता है, आपके किडनी में अगर स्टोन बन जाते हैं तो वो स्टोन अगर 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर उससे छोटे साइज के हैं तो वो कई दफा बिना किसी दिक्कत दिए आपके पेशाब के रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो बड़े हैं, उससे बड़े हैं, कई दफा वो छोटे से छोटे ग्रेन जैसे होते हैं, कई दफा वो बड़े साइज के भी हो सकते हैं, किडनी को पूरी तरह भर देते हैं, स्टैग हॉर्न कैलकुलस भी बोलते हैं उनको, तो कई दफा बड़े साइज के भी होते हैं। सो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ऑब्वियसली उनका शेप एकदम राउंड तो नहीं होगा, एकदम एकदम स्मूथ तो नहीं होगा, शेप आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, उसमें कांटे भी हो सकते हैं, उसमें धारियां भी हो सकती हैं, तो आते जाते वो रास्ते को चीरा मार सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, फंस सकते हैं। सो ये सब चीजों से दिक्कत होगी।
सबसे बड़ी दिक्कत जो किडनी स्टोन में होती है ब्लॉक होने की वजह से होती है। ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, आगे का रास्ता जाम, पीछे प्रेशर, प्रेशर से पीछे सूजन, पीछे किडनी में सूजन आ गई, सूजन की वजह से दर्द होता है। नॉर्मली किडनी में दर्द नहीं होता, सिर्फ प्रेशर की वजह से दर्द नहीं होगा, लेकिन जब सूजन आती है तो किडनी के ऊपर एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल उस कवरिंग पे स्ट्रेचिंग हो जाती है, उस स्ट्रेचिंग से दर्द होता है। ये दर्द कहाँ होगा, पीठ के पीछे, यहाँ पर इस जगह दर्द होगा, यहाँ से कई दफ़ा दर्द आगे आता है, कई दफ़ा ये दर्द नीचे की तरफ जाता है, आगे आता है तो किडनी में स्टोन है, नीचे जाता है तो पेशाब के रास्ते में स्टोन है। कई दफ़ा अगर चीरा मार के जा रहा है स्टोन आगे 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 तो खून निकल सकता है, दर्द हो सकता है पेशाब के रास्ते में, पेशाब के दौरान दर्द हो सकता है, पेशाब गर्म आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें किडनी स्टोन में हो सकती है, उल्टी तक आ सकती है, नौजिया हो सकता है। तो ये सारे हो गए सिम्टम्स। और ट्रीटमेंट दोस्तों, अगर किडनी स्टोन हो चुका है और वो खुद पास नहीं हो रहा, दर्द दे रहा है, इन्फेक्शन हो गया, तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, या फिर सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है पानी ज़्यादा पीजिए, स्किपिंग स्किपिंग करिए, और पेशाब के रास्ते को थोड़ा थोड़ा खोलने वाली दवाई लीजिए। रिलैक्सेंट्स होते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, और मसल रिलैक्स, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स जो आपके डॉक्टर देते हैं, ताकि अगर कोई स्टोन थोड़ा बहुत फंस सकता है तो वो निकल जाए। ये इलाज हुआ, मेडिकल इलाज। अगर मान लो इन्फेक्शन हो जाए तो उसका इन्फेक्शन की दवा लेनी पड़ेगी, दर्द हो रहा है दर्द की दवा लेनी पड़ेगी, गैस बन रहा है गैस की दवा लेनी पड़ेगी, तो मेडिकल इलाज ये हुआ। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोन है, नहीं निकल सकता है, तो फिर तीन तरीके हैं उसको निकालने के। पहला तरीका, उसको शॉक दे के तोड़ दो, बाहर से ही शॉक देते हैं, इसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, लिथोट्रिप्सी शॉक वेव थेरेपी। इससे क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स को शॉक दे के छोटे 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 कर देते हैं, और वो छोटे छोटे जो है उसको वो निकल जाता है, या फिर को खींच के निकाल सकते हैं। खींच के निकालने के लिए आप अंदर एक छोटा पाइप डाल सकते हैं, एंडोस्कोपी बोलते हैं इसको, यहाँ पे पेशाब की थैली में डाला तो सिस्टोस्कोपी, किडनी में डाला तो और अंदर डाल सकते हैं, किडनी तक डाल सकते हैं, और वहां से एक एक छोटे छोटे पीसेस को पकड़ के निकाल सकते हैं, तो ये एंडोस्कोपी से भी निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका ऑब्वियसली दोस्त को सर्जरी, अगर ऑपरेशन करा खोल के तो ऑब्वियसली निकाल ही सकते हैं। खोल के निकाल लिया तो कई दफ़ा क्या होता है कि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी पस से भर जाती है, उस समय फिर खोलना ही पड़ता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से कोई कोई ऑप्शन चूज किया जाता है कि आपके केस में कौन सा इलाज सबसे अच्छा होगा, या आपके डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि आपके केस में क्या इलाज होगा। तो इस तरीके से दोस्तों किडनी स्टोन्स के इलाज होते हैं। किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करना बहुत आसान है, और किडनी स्टोन्स के लिए एक पर्टिकुलर डाइट भी आती है, जिसके बारे में हम अगली बार वीडियो बनाएंगे, किडनी स्टोन्स के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए, किडनी स्टोन्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं, और कौन कौन सी मेडिकल बीमारियां हैं जिनसे किडनी स्टोन होता है। तो दोस्तों होप है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून, आई एम डॉक्टर परमजीत एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट।